I'm Shalu. I'm a tarot reader and an astrologer. Welcome to my channel. If you're new here, then do subscribe to my channel for new videos every week. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके जोडियक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका जोडियक साइन नहीं पता है तो सभी जोडियक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से अपना जोडियक साइन चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियंस के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 7 of Swords। सो एक्वेरियंस, कमिंग वीक में आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, काम में आपका फोकस नहीं रहेगा। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप आर्ग्यूमेंट से बचें, थोड़ा टैक्टफुल बने। अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको टैक्टफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से आपकी बात नहीं बनेगी। थोड़ा अवेयर रहने की भी जरूरत है, हो सकता है कि किसी तरह की डिसऑनेस्टी को फेस करना पड़े, तो थोड़ा अवेयर होके चले। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने काम में थोड़े सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। एक्वेरियस राशि के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द हर्मिट। तो कमिंग वीक में आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे, सोशलाइजिंग से बचेंगे, सोशलाइजिंग प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि सॉलिट्यूड में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर सिंगल हैं तो आप अपना सिंगल स्टेटस ही प्रेफर करेंगे, यू विल रादर अवॉइड मिंगलिंग विद अदर्स। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप अपने पार्टनर से ज्यादा खुद के साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है फ्यूचर, और कार्ड का मैसेज है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो अगर कुछ भी पास्ट ग्रजेस हैं तो आपके लिए एडवाइस है कि लेट गो करें, क्योंकि ग्रजेस को पकड़ कर रखने में नुकसान आपका खुद का ही हो रहा है। यू आर लूजिंग योर पीस ऑफ माइंड, तो लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड। आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है रिकवरी। तो कमिंग वीक एक रिकवरी का, एक सेल्फ हीलिंग का पीरियड रहेगा आपके लिए। अगर पास्ट में कुछ भी हेल्थ चैलेंजेस चल रहे थे तो अब वो खत्म होने को हैं और रिकवरी की शुरुआत हो चुकी है। अगर कुछ भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस चल रही थी या कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या किसी भी तरह के इमोशनल सेटबैक चल रहे थे तो हीलिंग की शुरुआत हो चुकी है एंड यू आर गोइंग टू रिकवर सून। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।